दूसरे इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टार भैया कि आप जब जहां जिस जगह पर भी जाए लोगों से कहें कि उनके घरों में जो मेडिसिन बच जाती है वो आप हमें भेजिए। हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है AWF, AWF से मुराद है अल्लाह वाले फ्री। जो बंदा बिल्कुल भी मतलब कैपेसिटी नहीं रखता, जस्ट वो हमें बता देते कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसको AWF खुद से कर देते हैं, उसे बताते भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आपने हमारे पिछले इंटरव्यू में देखा होगा कि हमने लैया में फ्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बात की थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे ही मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं जहां तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुगरा रहमान ट्रस्ट लैया की। आइए वहां के CEO साहब कमर जमान साहब से बात करते हैं। सर कुछ बताएं हमें स्ट्रेस हॉस्पिटल के बारे में, कौन कौन सी सहूलियात यहाँ फराहम की जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा स्टाफ ऑफ लैया के लिए, आपने जो ये काम शुरू की है तो मैं बड़ा खुश भी हूँ कि जी लैया में स्टाफ को ढूंढने के लिए स्टाफ निकले हुए हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि मेरे इंट्रो में कि लैया का फ्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स, तो प्यारे भाई उसमें ये है कि जी ये सुगरा रहमान ट्रस्ट अस्पताल जो है सन 2004 से अपनी मतलब है कि जी मौजूदा पोजीशन पर तो नहीं है, लेकिन हमने इसको एक कमरे से स्टार्ट लिया था और यहाँ पर मतलब सेहत की जो बुनियादी सहूलियात है वो गायनी जो है ना सबसे पहले हमारा टारगेट था, और हम लोगों को मतलब कि खवातीन के हवाले से बिलखसूस हमने जो काम शुरू किया था 2004 से, आज आप 2020 में इसको देखें तो ये एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स अल्हम्दुलिल्लाह इसका ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल हो चुका है। और इस ग्राउंड फ्लोर में जिस रूम में हम बैठे हैं ये हमारे जनरल सर्जन साहब का है, यहाँ पर जनरल सर्जरी की सहूलियात मुहैया है, और उसके साथ साथ हमारे इस हॉस्पिटल में गायनी के मुतालका हामला खवातीन के लिए या खवातीन के इलाज मुआवजा के लिए मुकम्मल एक यूनिट सेपरेट है, और उसके साथ साथ हम लोग मतलब आई को भी फोकस किया हुआ है। आई भी हमारे पास जो है वो मुल्तान सिंह टीम रहती है और वो सुफैद मोती का हम लोग बिल्कुल फ्री इलाज मुआवजा करते हैं, साथ साथ डेंटल यूनिट भी है, अल्ट्रासाउंड और लेबोरेटरी की सहूलियात यहाँ पर दस्तियाब है, जो कि हम लैया के लोगों को इंतहाई मतलब है कि जी नॉमिनल चार्जेस पर मुहैया करती है, क्योंकि ना हमारा सेटअप प्राइवेट है ना ही सरकारी है, एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में जो एक आम गरीब इंसान की इस्तेदात होती है उसमें रहते हुए हम लोगों को फ्री इलाज मुआवजा की सहूलियात मुहैया करते हैं। तो सर ये सारा सेटअप आप मैनेज करते हैं, तो इसके अखराजात वगैरह ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि साल 2004 से मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, लैया की आवाम है, लैया की ताजी बिरादरी है और लैया के वो मुखिया हजरात जो डे शुरू शुरू में, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जी लैया के ताजी बिरादरी हमें कोई 100 रुपया दे रहा है पर मंथ, कोई 3 रुपए डेली वाली बात है, कोई 500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये कि जी वहां से हमें एक ऐसी इनकम हो जाती है जिससे हम अपनी स्टाफ सैलरीज दे देती है, फिर पेशेंट की जो पर्ची फीस कलेक्ट होती है वो भी मतलब है कि जी हमारे हॉस्पिटल के एक्सपेंस में यूटिलाइज होती है। इसके अलावा माह रमजान में जकात भी हमें मिल जाती है, कुछ लोग हमारे फोन बॉक्स अवेलेबल पड़ा है उसमें भी मतलब है कि जी कोई इमदाद दी जाते हैं, कोई सदका दी जाते हैं, तो इस तरह निजाम कायनात मालिक कायनात इसको चला रहे हैं। इसमें हमारी कोशिश ये है कि आप जैसे दोस्तों के साथ मिलकर हम लोगों को ये पैगाम देते हैं कि वो यहाँ पर आए अपना अच्छा इलाज मुआवजा करें बजाय इसके कि किसी को एक्स के पास जाए, और इंसानी जान को मतलब फील मतलब है कि जी मामले से बेहतर है कि आप किसी अच्छे MBBS डॉक्टर के पास आए। सुगरा रहमान में MBBS FCPS डॉक्टर्स मौजूद है जो कि मतलब है कि जी आप लोगों की खिदमत के लिए 24 घंटे मौजूद होते हैं। सर अगर कोई नेशनल लेवल पे आप लोग मेरे साथ हैं, आप नेशनल की बात करें, मैं समझता हूँ कि आपके थ्रू मेरी ये आवाज इंटरनेशनल लेवल तक जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे भी आगे जो है ना मेरा ये निजाम चल सकता है। अगर कोई बंदा फॉरेन बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, वो हमारे जो सुगरा रहमान अस्पताल है इसका अकाउंट है UBL में, UBL चुबारा रोड लैया में, जिसका अकाउंट नंबर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको मतलब प्रिंट भी कर लीजिएगा कि 0314
37 11 57 91 इसका UBL के है। दूसरा जो पाकिस्तान में जैस कैश की सहूलत मौजूद है उसमें मेरा जो नंबर है वो 0300 676 3473 0300 676 3473 जैस कैश है, 1 रुपया भी दें। दूसरा इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टार लैया कि आप जब जहां जिस जगह पर भी जाएं लोगों से कहें कि उनके घरों में जो मेडिसिन बच जाती है वो आप हमें भेज दें। यहां पर हमारे पास नौजवान टीम है वो उसको एक्सपायरी डेट को चेक करके फिर हम उसे काबिल इस्तेमाल लेकर आते हैं। अगर तो लोगों के घरों में फ्रिज के ऊपर मेडिसिन पड़ी होती है, क्योंकि जब कोई बंदा मेडिसिन एक या दो डोज से ठीक हो जाता है देन वो मेडिसिन को यूटिलाइज नहीं करते, फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन जो है ना वो वैसे भी गलत है, तो आप उसे डस्टबिन की नजर करने के बजाय उसे किसी बड़े शॉपर में डालकर आप सूरा रहमान भेज दें। मैंने जो नंबर बताया आपको 0300 676 3473 पर कॉल कर दें कि भाई अपना बंदा भेजें, हम मेडिसिन देना चाहते हैं, हम वो भी कलेक्ट कर लेंगे। साथ साथ अगर मैं आपको एक और बात भी मजे की बताऊं कि दीवार मेहरबानी सूरत रहमान हॉस्पिटल की बिल्कुल बहर जो दीवार है वो दीवार मेहरबान के नाम से पिछले 4 साल से काम कर रही है। सूरत रहमान अस्पताल मेन कोटा रोड पर आप अगर बहर देखें जिस जगह आप बैठे सूरत रहमान हॉस्पिटल मुल्तान रोड पर वाकई है और ये चूंकि नंबर 6 इसको लगती है बाईपास से बिगड़ रहा है, तो यहाँ पर जो बहर दीवार है यहाँ पर मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग जो एक हाथ से देना और दूसरे हाथ को पता ना चले वाली पोजीशन पर होती है, क्योंकि लोग रात को आकर कपड़े यहाँ दे देते हैं और शूज रखकर जाते हैं, स्कूल बैग रखकर जाते हैं, नेक्स्ट जो भी मतलब है कि जिस जरूरतमंद है वो भी रात की तारीकी में ले जाते हैं। और मेरे मजे की बात, मैं ज्यादा बोल भी रहा हूं मेरे ख्याल में, लेकिन मैं आपको हैरान कुन बात बताना चाहता हूं कि उन ड्रेसेस को, उन शूज को, उन स्कूल बैग्स को बैगर लेकर नहीं जाते। जो आम हालात में एक फकीर वो प्लास्टिक इकट्ठी कर रहा होता है, शूज इकट्ठे, आप यकीन करें वो यहां से नहीं लेकर जाता उस दीवार से। फकीरों को मैंने नहीं देखा, जिससे काम फकीर होता हूं कहते हर चीज लेकर जाओ यहां रात को भी, मतलब है कि जिन लोग जरूरतमंद वो लोग लेकर जाते हैं जिन्हें जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा जो जब बिल्कुल काफी दिनों से मतलब पैंट शर्ट का लइए मेरे पास बहुत कम है, तो पैंटे अगर रह जाते हैं तो फिर हम उनको खुद जाकर डस्ट एरिया में डालते हैं कि जिन लोग ताकि उसको यूटिलाइजेशन हमारी नहीं होती। तो ये चीजें बंदा नियत करने की हो, कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसमें सिर्फ सोचें कि यार ये आपकी जिम्मेदारी, अल्लाह ताला ने आपके जहन में ये बात डाल दी है तो समझे अल्लाह ताला की तरफ से आपको ऑर्डर आ गया, आगे आपका प्रैक्टिकल है, आप करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा, नहीं करना चाहेगा नेक्स्ट डे नेक्स्ट आइडिया आपके माइंड में होगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, मेरा ये जाती ख्याल है। माशाल्लाह सर, ये तो बहुत यूनिक आइडिया हमें मिलते हैं। जैसे कि आपने मेडिसिन का बताया कि कोई अगर देना चाहे एक्स्ट्रा मेडिसिन के अगर मौजूद हो तो वो आप तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने ये इदारा कब से शुरू किया ये ट्रस्ट? अच्छा अली, बड़ी मजे की बात, जब ये मेरा इदारा बनाया था, जब मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूं तो सिंगल पर्सन था जब सोच था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब के हैं, आपका भी है मेरा भी है। साल 2002 में मैं शेख जैद हॉस्पिटल लाहौर में स्टडी करता था, बी एस लैब टेक्नोलॉजी की वहां में पढ़ रहा था। तो शेख जैद हॉस्पिटल लाहौर जो है वो एक ट्रस्ट हॉस्पिटल के नाम से है, वहां पर 30 रुपए में मतलब है कि जी मेडिसिन मिलती थी, लोगों का ट्रीटमेंट होता था, वो बड़ा वीआईपी हॉस्पिटल है, आप भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। तो मैंने सोचा यार लैया में अगर हम इस तरह का हॉस्पिटल बनाए तो हम इस तरह से काम करेंगे। वो आइडिया लेकर जब मैं लैया में आया तो यहाँ लैया में लोगों ने बड़ा हैरान कर बताया कि जी ये बंदा है, सोच अजीब सी है, ये नामुमकिन है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जो आपके जहन में बात आ रही होती है वो आपकी नहीं होती, वो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी कबूलियत हो चुकी होती है। मैंने लैया के दोस्तों के साथ मिलकर ये मतलब जज्बा यही था कि हम नेकी का काम करेंगे। उस वक्त सरदार इफ्तखार बाबू खितरान साहब बहुत अच्छे मेरे मौसम है, रियाज साहब और रियाज इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कमरुद्दीन शेख, तनवीर खान अल हसीब वाले, ये वो सारे दोस्त थे जिन्हें जब मैंने ये आइडिया बताया तो उन्होंने इसको रुपये कहा और हमने ये सफर 2004 से कंटिन्यूस इसको शुरू रखा हुआ है। और एक कमरे से बनने वाला ये हॉस्पिटल 16 साल में अपने 2 कनाल की बिल्डिंग में मतलब है कि जी ग्राउंड फ्लोर, अभी इसका फर्स्ट फ्लोर हमने शुरू कर लिया है। फर्स्ट फ्लोर के लिए हमने वैसे तो माह रमजान जो गुजर गया 2020 वाला इसमें शुरू करना था, लेकिन कोरोना की वजह से जहां जिंदगी की बाकी
चीजें रुक गई थी तो हमारी भी एक्टिविटीज स्टॉप हो गई थी। इंशाल्लाह ताला 21 में हमारा ये इरादा है कि हम इसका ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव करेंगे और आपके इस चैनल की मुसाफत से जो लोग सुन रहे हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने प्यारों के नाम से अली भाई प्यारों के नाम से ये है कि कोई कमरा बनवा कर देना चाहता है, कोई एक टूटी लेकर देना चाहता है, कोई एक सीमेंट का बैग लेकर देना चाहता है, वो आए और अपने हाथों से अपनी मौजूदगी में यहाँ पर वो अपने प्यारों के नाम से रूम बनवाए उनके नाम से। मतलब है कि जिस रूम में हम बैठे हैं तो ये रिया मोहम्मद शेख और रियाज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के नाम से बना हुआ है, इसी तरीके से अली जाज वार्ड बना हुआ है। तो लोग आए और ये नया आइडिया नहीं है, ये मतलब अगर आप चौकत खाना हॉस्पिटल विजिट करें वहां हर रूम किसी न किसी डोनर ने बनवा कर दिए और उसकी नेम प्लेट लगी हुई है। हमारा इशू ये है कि अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे लेकिन हमारा ख्वाब है कि हम इसको लैया में इतना जदीद बनाए कि यहाँ जिंदगी की तमाम वो तर सहूलियात लोगों को मिले जो अमीर लोग पैसे से जाकर लेते हैं, गरीबों का भी उतना ही हक है। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा मिशन है आपका। यहाँ जो डॉक्टर वगैरह टाइम देते हैं अपनी सर्विसेज देते हैं क्या वो उसी तरह चार्ज करते हैं जिस तरह बाकी हॉस्पिटल के? नहीं 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 ऐसा नहीं है। अगर बहर कोई डॉक्टर जो जिस तरह एफ सी पी एस 500 रुपीज चेकअप फीस लेते हैं तो सुब्रा नमान 100 रुपीज लेते हैं और उसके अलावा हमारा एक शोभा जो गायनी है वो 50 रुपए में है, वहां पर एमसीपीएस जो डॉक्टर है लेकिन वो 50 रुपए में चेकअप करती है। इसी तरीके से अगर आप कलर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की बात करें सरकारी हॉस्पिटल में भी 150 रुपीज उसके चार्ज किए जाते हैं, सुब्रा नमान में उसके 300 रुपीज चार्ज किए जाते हैं। एक और बात, हमारे पास एक टर्म होती है AWF, AWF से मुराद है अल्लाह वाले फ्री। जो बंदा बिल्कुल भी मतलब कैपेसिटी नहीं रखता जस्ट वो हमें बता देते कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसको AWF खुद से कर देते हैं, उसे बताते भी नहीं है ना उसके हाथ में कोई पेपर देते हैं कि जाओ जी फलां जगह से तस्दीक करके आओ या फलां जगह से लिखवा कर लाओ। उसकी इज्जत नफ्स जो है ना हमारे लिए सबसे मुकदम होती है, हम उसी शख्स को AWF खुद कर देते हैं, उससे चार्जेस नहीं लिए जाते। सर इस नए काम से पहले आपकी क्या मसरूफियात थी, मतलब एक टेस्ट शुरू करने से पहले आपकी क्या मसरूफियात थी? जी ये बिजनेस की दोनों बता रहे। अच्छा जब मैंने ट्रस्ट स्टार्ट किया था ना तो उस वक्त मेरी एज में 22 ईयर ओल्ड थी, तो लामालम स्टूडेंट एज में था और लेकिन एफएससी के पेपर्स के फौरन बाद मैंने एक स्कूल मैनेज किया था पाकिस्तान पब्लिक साइंस स्कूल के नाम से और 99 से वो 2005 तक वो चला, वो फिर हॉस्पिटल की मसरूफियात की वजह से उसको मैं टाइम नहीं दे पाता था इसलिए उसको फिर क्लोज कर दिया था। और जहर सी बात है कि जी मेरा एस एच क्योंकि स्टूडेंट है बीएससी के फौरन बाद ये हॉस्पिटल बन गया था तो मैं हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहा था, लेकिन ये हुआ कि 2004 से ही मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी SPO मुल्तान से उसे ज्वाइन किया और फिर जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर चला गया। SPO से जो सफर शुरू किया आज 2016 तक मतलब है कि जी वो NGO लैया में काम करती रह गई थी, 2005 से मतलब है कि जी अर्थक्वेक हुआ उसके बाद 2010 में मतलब फ्लड आ गया, 2011 से फिर वो कंटिन्यूस वर्क 2015 तक चलता रह गया। तो मैं डिफरेंट पोजीशंस पर डिस्ट्रिक्ट लैया में काम करता रह गया हूँ, कभी सोशल मैनेजर था तो कभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था। तो मेरी जो जाती जिंदगी है वो प्योरली मुझे ये लगता है कि वो सोशल सेक्टर के लिए थी और मैंने हमेशा सोशल सेक्टर में ही काम किया है, कभी इलेक्शन कैंपेन चल रही है FAFN की तो कभी केयर इंटरनेशनल वन कोई फूड हैम्पर्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इस तरीके से प्लान इंटरनेशनल के साथ बच्चों के लिए स्कूल्स में काम किया था। तो ये जैसे कि आपने भी बताया कि क्रिकेट वगैरह और इस तरह सोशल एक्टिविटीज में आप आगे आगे रहे पेश पेश रहे, हमने सुना है कुछ सेमिनार वगैरह लास्ट टाइम आपके हुए हैं जिनमें डिसेबल लोगों में व्हीलचेयर या छड़ी वगैरह? ये पिछले ही फ्राइडे की बात है, अपना 15 अक्टूबर को TM हाल में लैया ब्लाइंड एसोसिएशन के साथ मिलकर सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर हमने 50 लोगों को सफेद छड़ी की अतियात भी दिलवाई है, उनको फूड हैम्पर भी दिए हैं। और इस तरीके से अगर आप दुनिया की बात करें तो हर रोज हमारी कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है जो गरीब लोगों के लिए होती है। कोरोना के दिनों में मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी एक आवाज पर लबैक करते हुए ड्राइव मतलब फूड से लेकर
हम लोगों के घरों में उनका राशन के साथ साथ उनकी जो लाइफ की जरूरियात अदर थी उनमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें खुश्क खुराक की फराहमी सबसे वो थी। उसके बाद हमने मतलब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट टीएमए के साथ मिलकर डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे लोगों को मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ लोगों को उसके अवेयरनेस भी दिए कि आप अपने घरों में महदूद रहेंगे तो हम कोरोना को से मतलब जंग जीतेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एज ए नेशनल हम लोग मतलब ये जंग जीत चुके हैं। और मैं आज भी ये पैगाम लोगों को दूंगा कि वो अपने आप को महदूद रखें, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, दुनिया में इसकी दूसरी लहर आ चुकी है। हम लोग महदूद रहेंगे तो महफूज रहेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मुसीबत से मेरे ख्याल में बचा हुआ है और हमारी कोशिश इसमें मजीद भी होनी चाहिए। सर, कभी सियासत में हिस्सा लेने का सोचा? सियासत मैं हूं सियासी, सियासत से मुराद है, लेकिन मेरी बात में हाँ बकायदा इलेक्शन के बारे में मैंने सोचा नहीं है। लेकिन द लास्ट ये लहिया में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हुए तो उसमें मैं एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी एज ए कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन किया था। मुजफ्फरपुर ग्रुप के साथ मैं मतलब एक अटैच था। और वही बात की जी सोशल एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अंजुमन ताजरान को भी इसीलिए ज्वाइन किया था कि वहां पर ताजू बिरादरी के जो सोशली इश्यूज हैं उनको मतलब है कि जी दूर करने के लिए मैंने अपनी खिदमत वहां दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हो रही है, कुछ होना चाहती है। बाकी ये बल्दियात और जो मतलब है कि जी पार्टीज वाला चक्कर है उससे मैं भी दूर हूँ और आने वाले दिनों में कुछ नहीं कह सकता। बेसिकली किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं अगर बात की जाए नेशनल लेवल पे? अच्छा, सपोर्ट अली भाई ऐसी है कि जी जो मेरी जाती सपोर्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही है, लेकिन वोट हमें हमेशा अपने हमसाय को दिए। मेरा हमसाय मलिक मुआजम जकर साहब है, अवैस भाई है, तो वोट हमारा इसके साथ रहा है। जबकि पीर से लाए मेरा क्लास फेल हुए, हमने हिम्स इकट्ठे किया हुआ था, मैंने कुछ सारे हिम्स किए हुए हैं, पीर साहब ने मुकम्मल किए हुए हैं, तो पीर से लाए मैंने इकट्ठे पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने चूंकि मैं नजरियाती तौर पर मैंने जब आंख खोली तो भुट्टू का दौर चल रहा था और मैंने भुट्टू साहब की किताबें भी पढ़ी, बीबी का दौर भी देखा, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अटैचमेंट रखता था मेंटली तौर पर। लेकिन वोट मैंने हमेशा अपने हमसाय मलिक नवाज़ जकर साहब को और यंगेस्ट में मतलब कि जी पीर रफ़ाक़त साहब है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, तो वो एनर्जेटिक भी है, उनको दिया है। और लाल माला वो पीटीआई में है, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि पीटीआई के हुक्मरानों से कि वो जो कुछ भी करें लेकिन महंगाई कम करें। आम आदमी का मसला नवाज शरीफ नहीं है, आम आदमी का मसला रोटी रोजी का है, उससे कम करें, खुदा के लिए महंगाई को कम करें, ताकि हम लोग मतलब है कि जी इन गरीबों को तो जीने का हक देना। ट्रंप क्या कह रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, सऊदी अरब क्या कह रहे हैं हमारा लेना देना, हमारा लेना देना है। आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, घी सस्ता हो, गरीब के बच्चे भी मतलब है कि उतने ही हकदार हैं जितने अमीर के बच्चे हैं। तो सियासी तौर पर मेरा तो यही है कि जी जो भी जमात है लेकिन गरीबों के लिए जो रिलीफ दे, जो पाक फौज को मतलब है कि जी पाक फौज के बारे में जो बंदा भी अगर गलत बात करता है तो उसको तो मैं कहता हूँ उड़ा देना चाहिए। पाक फौज है, पाकिस्तान है, इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपको बताया कि जी मुतरला बिन जी भुट्टू तक भी था और शहीद जुल्फकार अली भुट्टू तक भी था। आजकल की तो पीपल्स पार्टी, जैसे कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि वजीर दाखला को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने शिकायत की है कि जी आप हमारे पंजाब में ना जियालों को पकड़ रहे हैं, तो आगे पुलिस वाले जवाब दिया कि हजूर पकड़ना तो दूर की बात है, बिल्कुल ही रहा मसला ये है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अलमिया हो गया है कि जो एक मतलब है कि जी नेशनल लेवल की जमात थी बदकिस्मती से वो मतलब कि सर्वाइव नहीं कर रही। सुबह भी नहीं कह सकती क्योंकि सिंध में भी डिफरेंट और जमातें भी हैं। अगर मुस्तकबिल में कभी इलेक्शन लड़ने का मौका मिला या आपका इरादा बना तो किस पार्टी के फॉर्म से लड़ना चाहेंगे? इलेक्शन लड़ना कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन वो तो फिर जहर सी बात है, एस पार देखा जाएगा क्योंकि जी जो जीतने वाले भी होंगे और जिसका मतलब विजन क्लियर होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर नकाब खाने में तोते की आवाज बनी तो मैं ही बन सकूं, अगर तो मैं जरूर उस जमात से इलेक्शन लड़ूंगा जो गरीबों के लिए कुछ करना चाहती होगी या कर रही होगी। ऐसे नहीं कि जी अपने नाम के लिए नहीं, मतलब कि वो जरूरी नहीं है इतना, जितना जरूरी ही है कि अगर एक बंदा कुछ कर सकता है
एज ए होल नेशन के लिए कि जी वो महंगाई में जो गरीबों के लिए कुछ कर सके वो बस वो इलेक्शन लाजमी लड़ना चाहिए। माशाल्लाह बहुत नेक काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका मिशन क्या है इस सूरत ट्रस्ट हॉस्पिटल को लेकर या अपनी दीगर मसरूफियात को लेकर क्या करना चाह रहे हैं नेक्स्ट मीटिंग? मेरा विजन जो डे फर्स्ट से था वो आज भी है कि इंशाल्लाह ताला सुबह रहमान को अपग्रेडेशन में लेकर जाना। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फर्स्ट फ्लोर भी बन गया। 2022 तक मेरा ये आइडिया है कि हम इस हॉस्पिटल को इंशाल्लाह ताला ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक ले जाएंगे। फिर हम 23 से इसको अदर डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाना चाहते हैं। इसकी ब्रांचेज हो, एक ब्रांड हो, इस तरह का ब्रांड हो जो मतलब सेहत के लिए हो, पैसे वाला ब्रांड नहीं, सेहत वाला, कि जहां पर सुगुरा रमान का नाम है वो कि हाँ यार ये बहुत अच्छा इदारा है, यहां से हमें ट्रीटमेंट करानी चाहिए। जैसे AKDN है, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क है, या हमारा शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर है, या डिफरेंट जो इदारे हैं जिनका एक नाम है सेहत में। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि जी सुगुरा रमान है वो सेहत का सामने नाम हो और लोगों की अप्रोचेज में होना चाहिए। ये ना हो कि जी नाम तो हमारा मतलब जिस तरह भी कह रहे हैं कि एक नेक नियति के साथ हम काम कर रहे हैं वही रह जाए, मेरे ख्याल में तो बेहतर है कि हम गरीबों के लिए कुछ करें। माशाल्लाह सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला मजीद आपको इसमें कामयाबियां अता फरमाए। लैया की आप को आपको पैगाम देना चाहें हमारे चैनल के थ्रू। मैं भाई सबसे पहले तो एक बार फिर स्टार ऑफ लैया के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये स्टार ऑफ लैया स्टार्स ही ढूंढ रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया। और आखिर में मैं लैया के लोगों को और उन तमाम दोस्तों से, इंसानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं लोगों की खिदमत का मौका आपसे ना जाने दें। आप कोशिश करें कि आप अपने मोहल्ला में, अपने शहर में, अपने गाँव में लोगों की खिदमत करें। और अगर आप चाहते हैं कि सुगुरा रमान अस्पताल को कोई खिदमत करने का मौका देना चाहते हैं तो मेरा जो अकाउंट नंबर है वो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, सुगुरा रमान TM में ऑफिस के बिल्कुल सामने है। आप किसी भी वक्त यहाँ का विजिट कर सकते हैं, पेशेंट्स को भेज सकते हैं, आप हमारे साथ माली इखलाकी तामन भी फरमाएं और गरीब लोगों को यहाँ का रास्ता दिखाएं। उनको सर्जरी की सहूलत चाहिए, उनको आंखों की सफेद मोती के लिए आप हमसे रब्ता करें। और मैं आखिर में ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे और हम लैया के लिए कुछ कर गुजरे। थैंक यू सो मच।